हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से, आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि वाकई में मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं, है ना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, दीज आर जनरल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स। आपको अगर इसे आप रियल क्रिस्टल्स पहनते हो, जब आप इन्हें एनर्जाइज कर वेयर करते हो ना, और सही सोर्स से जब आप इन क्रिस्टल्स को लेते हो, तो ये आपके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट दिस तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स के शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। बेसिकली जो आज की रीडिंग रहेगी ये यू वर्सेस देम की एनर्जी है, यानी पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे और अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो बिल्कुल फिर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज को जरूर चेकआउट करें, ठीक है, कि वो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कितना रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है। चलिए तो आपकी एनर्जी सबसे पहले चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ग्रेट, दिस इज टेन ऑफ कप, ओके, द व्हील, Six of Cups, Ace of Swords, Judgment, Bottom में we have energy of Eight of Pentacles. Maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके zodiac से आपके zodiac दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये zodiac होने मतलब इतने कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये ऑल जोडियक बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। तो मैं जहां तक कि यहाँ पे जोडियक साइंस देख पा रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। अभी और कार्ड आएंगे और जोडियक आएंगे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि सभी जोडियक साइंस के लिए रीडिंग्स होती हैं, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपकी रीडिंग्स कर रहे हैं, यानी ये आपकी एनर्जीज हैं गाइज, और आपकी एनर्जी में मुझे सबसे पहले तो ये चीज नजर आ रही है परेशानी। सबसे पहले मुझे नजर आ रही है परेशानी, फियर, कंफ्यूजन। किस चीज को लेकर है ये कंफ्यूजन? ये कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप कहीं ना कहीं एक तरीके से एंग्जाइटी में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, आप इस पर्सन के बारे में जब भी सोचते हो एक स्ट्रेस से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है जहां पर आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी ही नहीं है, कंफ्यूजन है। फ्यूचर को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो इस चीज को लेकर कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्या ये पर्सन, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो तो क्या ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा? तो आपके दिल में एक फियर है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप जब भी इस पर्सन से अलग होने के बारे में सोचते हो तो आप इस व्यक्ति से अलग भी नहीं हो पाते हो, ठीक है। आप हर समय आपके थॉट प्रोसेस में ये व्यक्ति चलता ही रहता है, 24 घंटे आप इनके बारे में सोचते हो। और मैं ये भी देख रही हूं कि आप इनको बहुत ज्यादा आजकल स्टॉक भी कर रहे हो। आजकल कुछ आपके साथ हुआ है, लास्ट 6 डेज से कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर आप हद से ज्यादा इस व्यक्ति को स्टॉक कर रहे हो। यहां पर आपका रिलेशनशिप मोर देन 2 मंथ्स या मोर देन 2 इयर्स का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लेकर एक क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। मैं यहां पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी देख रही हूं जहां पर उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके ऊपर
फैमिली का प्रेशर है कि भाई शादी करो, ठीक है, शादी करो, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, और ये पर्सन है जो इनिशिएटिव लेने का नाम नहीं ले रहा है, ये पर्सन है जो एफर्ट्स डालने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो अब आप फैमिली के कहने पर कहीं और शादी कैसे कर लो, है ना। तो कुछ लोगों के ऊपर तो फैमिली का प्रेशर भी है कि भाई मूव ऑन करने का, और मूव ऑन करना आपके हाथ में नहीं है, आप एक तरीके से स्टक्ड भी यहाँ पर महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से। इस व्यक्ति ने आपको बहुत लेसन सिखाए हैं, देखो तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं और जजमेंट की एनर्जीज हैं, तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, मैं जहां तक की देख पा रही हूँ। आप एक इमोशनल पर्सन थे, आप कहीं ना मतलब बहुत बहुत, जैसे कहा जाता है ना कि मासूम वर्ड शायद मैं यूज करूं तो सही रहेगा, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मासूमियत थी, एक भोलापन था, जिसकी वजह से लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे, ठीक है। और आपके साथ ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा हुआ है कि पास्ट में जिसमें भी, जिस पर भी, जिस व्यक्ति पर भी आपने ट्रस्ट करा है, उस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है। आपने भी हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर कुछ फेलियर्स फेस करे हो, ठीक है, तो पास्ट में भी आपके साथ ऐसा हुआ है, बचपन से ही आप जिस पर भरोसा करते थे आपको रिटर्न में उससे धोखा ही मिलता था, है ना, या फिर अगर आप किसी और की, आप तो मदद कर देते थे लेकिन जब उस पर्सन की बारी आती थी कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले या आपकी मदद करे, तो वो व्यक्ति पीछे ही हट जाता था। तो आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, ठीक है, आप काफी स्ट्रांग बन चुके हो अब, ठीक है, उन फेलियर्स को देखकर, ठीक है, आप काफी स्ट्रांग बन चुके हो, और इस रिलेशनशिप में तो आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन मुझे आपके ऊपर हावी नजर आ रहा है। अब हावी नजर आने का क्या मतलब है, यानी ये पर्सन ऐसा है जिसके ख्याल से आप बाहर निकल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, मतलब आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, आप सोचते हो कि आज मैं, लाइक आपके साथ ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में आप सोचोगे कि आज तो भाई मैं ऐसे स्टॉप नहीं करने वाली हूं या नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप इन्हें फिर भी स्टॉक करते हो, फिर भी आप सोचते हो यार एक बार देख लेती हूँ कि क्या पोस्ट डालिए, क्या डीपी डालिए, ठीक है, या अगर वो आप सेम ऑफिस में अगर हो आप होप, ठीक है, क्योंकि सेम वर्क प्लेस भी मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर आप सेम ऑफिस या सेम वर्क प्लेस में भी हो ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये पर्सन क्या कर रहा है, चलो एक बार नजर ही मार लूं, ठीक है। तो मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर ये व्यक्ति आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा घुस चुका है, आपके दिमाग में इतना ज्यादा घुस चुका है ना कि आप चाहकर भी इनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हो, ठीक है। जबकि इस पर्सन ने आपका बहुत ट्रस्ट तोड़ा, आपको ट्रस्ट को ब्रेक करा है इस पर्सन ने, ठीक है, और आज भी आप इस पर्सन को लेकर ना एंग्जाइटी महसूस करते हो। आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप रात को सोते हो ना, तो भी ये पर्सन आपके दिमाग में घूमता रहता है, आप कहीं ना कहीं आप इनको अपनी दुनिया मानने लगे थे, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था जहां पर ये व्यक्ति आपके लिए सब कुछ बन चुका था, आप मन ही मन में जैसे इनसे शादी कर चुके थे और आप इन पर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि इनके बिना जीने के बारे में लिटरली आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है, आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट अपने पार्टनर के ऊपर हो गए थे, ठीक है। आपने इनकी बहुत मदद करी है, बहुत हेल्प करी है आपने इस पर्सन की, ठीक है, और इस पर्सन ने भी आपको बहुत सपने दिखाए हैं, ठीक है, इमोशंस इस पर्सन की तरफ से भी आपको मिले हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप उन लोगों में से हो जिनको ना लिटरली मतलब अटैच होने में भी टाइम लगता है, आप चूजी हो, यानी आप हर किसी के साथ अटैच नहीं हो जाते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अटैच हो जाओ तो आपको उस व्यक्ति से डिटैच होने में भी वक्त लगता है, ठीक है, अगर आप एक बार किसी पर भरोसा कर लो तो फिर आपको बिल्कुल मतलब आप पूरा ब्लाइंडली फेथ कर लेते हो सामने वाले पर्सन पर, और आपको उस पर्सन से डिटैच होने में भी पेन लगता है, ठीक है। अभी इस पर्सन की एनर्जीज तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आप इनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट, आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे थे, आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे थे, आप इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल क्लियर थे कि भाई आपको इस पर्सन से ही शादी करनी है, वरना आपने किसी और से शादी ही नहीं करनी है, ठीक है, आप इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं श्योर हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिटरली देख रही हूँ कि आपके दिमाग में ना एक क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में, ओके। अब इस पर्सन ने तो कहीं ना कहीं, इस पर्सन के साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी, ठीक है, आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग ही हो रहा है, ठीक है, मतलब इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, इस पर्सन ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा था, ठीक है, एंड
अब कहीं ना कहीं आप ना इस पर्सन के लिए बिल्कुल चुप हो गए हो, आप चुप्पी साधे हुए हो इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, आप चुप्पी साधे हुए हो, क्योंकि अब ना आप इनिशिएटिव इस पर्सन की तरफ से देखना चाहते हो, आप एक वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अब इनिशिएटिव आएगा तो इस पर्सन की तरफ से आएगा, आप अब इन्हें बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, मतलब आप अब अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहते हो, ये फैसला भी कहीं ना कहीं आप ले चुके हो, ठीक है, तो आप ले चुके हो अपने लिए फैसले, आप ले चुके हो, आपने क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज थी, आई डोंट नो आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, अगर ये चीज लेकिन आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखने वाले हैं कि वो आपके साथ कैसे रेजोनेट होती है, ओके। चलिए तो आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स पिक करते हैं, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, किस एनर्जी में हैं इस समय आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी देखते हैं, सबसे पहले यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन, Beyond illusion, receptivity, innocence, and this is guilt, control, lovers, courage, and these are two cards experiencing with isolation. Okay. So, यहाँ पर जो zodiac signs निकल कर आ रहे हैं, they are Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius की energies यहाँ पर बहुत strongly देखने को मिल रही हैं। जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, तो मैं उनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन भी इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके साथ, लेकिन जहां तक एफर्ट्स की बात कही जाना, तो यहाँ पर एफर्ट सिर्फ एक तरफा थे, यानी एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से थे, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं थे, ठीक है। सो इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, जहां पर ये व्यक्ति आपसे बिना बताए आपसे दूर चले गए, आपसे बात बंद कर दी, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक की गेम खेलते थे, या फिर मैं कहूं कि माइंड गेम्स भी बहुत ज्यादा ये पर्सन आपके साथ खेला करते थे, ठीक है। आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से आपसे अपनी बातें मनवानी है, ठीक है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं इनको पता थी, आपके पार्टनर को पता था आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट, यानी आपसे क्या कहा जाए कि आप इनसे ना नाराज हो और ना ही आप मतलब इनके साथ एक कनेक्टेड रहो, ठीक है। सो ये आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट, आपकी वीकनेसेस को ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको साथ बहुत ज्यादा माइंड गेम्स, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश करी है, ये पर्सन ब्लेम गेम भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ खेली है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर ये व्यक्ति अपनी गलतियों का बोझ भी हमेशा आपके सर डाला करते थे, अपने आप को सही साबित करने के लिए ये पर्सन आपसे लड़ा करते थे, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आज सुबह कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर इनको अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, ये अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे हैं कि इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे लिटरली उनकी एनर्जी आज सुबह की गिल्ट की नजर आ रही है, पछतावे की एनर्जी नजर आ रही है, जहां पर ये व्यक्ति बहुत लो वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस में है, इनको अफसोस हो रहा है अपने किए पर, जो भी इन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए हैं, अगर आपको गोस्ट करा है अपने उस किए पर इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा हो, ऐसी मैं इनकी एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति की एनर्जी इस समय भी ऐसी है जहां पर ये किसी तरीके की कोई टफ टाइम पीरियड से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी स्मूथ नहीं है इस समय इनकी लाइफ में, राइट, ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा टफ टाइम पीरियड सा चल रहा है, जहां पर मे बी इस पर्सन किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है इनको बेयर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, या इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, किसी थर्ड पार्टी की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर इस पर्सन की लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन जो है ना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और इनको इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि जो इन्हें खुशी मिला करती थी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ थी, ठीक है, आपके साथ एक अपनापन इन्हें महसूस करा जाता था, आप बहुत स्पेशल हो इनकी लाइफ में, जिस तरीके से आप इन्हें समझते हो, जिस तरीके से आपके साथ इनको अपनापन महसूस होता है, वैसा अपनापन वैसा रिश्ता ये किसी के साथ नहीं बना सकते हैं, आप बहुत स्पेशल हो इस चीज को भी ये पर्सन समझ चुके हैं। लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप लोग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज सुबह कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर ये व्यक्ति आइसोलेशन की एनर्जी में है, अकेलेपन में है, ठीक है, इनके पास कोई नहीं है जिसको ये सब
बता सके, ठीक है, अपने दिल की जज्बात जिस पर्सन के साथ ये शेयर कर सके, ऐसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में जो इनकी केयर करे, ठीक है, दिल से इनको अनकंडीशनल लव दे, इनको प्योर लव दे। जब बात आती है ना ट्रू लव की, ट्रू फीलिंग्स की, तो इस पर्सन को आप ही याद आते हो, ठीक है। और आज सुबह भी कहीं ना कहीं इनको रोना आ रहा है, ठीक है, लिटरली बार बार जैसे इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखा था। ये पर्सन बहुत ज्यादा लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, ठीक है, और आज कहीं ना कहीं रो रो करना इस पर्सन के वो इमोशंस बाहर आ रहे हो, ऐसी भी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज्यादा जैसे रोना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का मन कर रहा है। सो ऐसा कुछ इनके साथ आज सुबह स्पेशली हो रहा है, ये भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो दिस इज सिक्स ऑफ सोड्स, ठीक है, दिस इज हाई प्रीस्टेस, दिस इज पेज ऑफ वैंड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप, चरोइट, ओके, एंड बॉटम में किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ना लाइक फिर से आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक प्यार सब जैसे बढ़ा, ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ना आपको लेकर हाई अट्रैक्शन इस समय ये पर्सन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो आपसे अलग अब नहीं रह पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपसे दूर भी रहे ना, तो ये कभी आपको अपने दिल से जैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसी फीलिंग इनको आ रही है, ठीक है। ये लिटरली आपको लेकर हाईली अट्रैक्शन फिर से महसूस करने लगे हैं, ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यू नो, आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से कि ये पर्सन आपके पास आए और आपसे माफी मांगे और आपको कमिटमेंट ऑफर करे, ठीक है। और वही आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होती हुई भी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अभी तक क्या था ना, इस रिलेशनशिप में जो एक होना चाहिए ना कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, जहां पर ये पर्सन की तरफ से भी आपको वही प्यार, वही इमोशंस, वही इज्जत मिलेगी, वही अनकंडीशनल लव मिलेगा जो आपने इस पर्सन को, इस शख्स को हमेशा दिया है। जितना ज्यादा आपके दिमाग में ये व्यक्ति हावी है ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है, आप दोनों का बॉन्ड कुछ ऐसा है जहां पर इस समय आपके पार्टनर के दिल दिमाग पर भी आप हावी हो, और इस समय ये पर्सन आपको भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको अपने दिल दिमाग से इस समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और आज सुबह से ही कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा आपको एक मिसिंग एनर्जी में, मतलब ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं खुद को एक मिसिंग एनर्जी में जहां पर ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, और ये आपके पास वापस आने का इनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ये आपको कॉल मैसेज करने का इनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन जो बीच की रुकावटें हैं वो कहीं ना कहीं इनको रोक देती हैं, ठीक है। मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको रोक देती है बार बार आपको कॉल करने से, आपको मैसेज करने से, आपसे बात करने से। कहीं ना कहीं इनको ईगो हो सकती है जो इनको बार बार रोक देती है आपसे कॉल करने से, क्योंकि इनकी ईगो बहुत ज्यादा हाई है इनके लिए, ठीक है। इनका प्राइड बहुत ज्यादा हाई है, अभी भी घमंड टूटा नहीं है इस व्यक्ति का। अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी रहे हैं ना, बहुत एटीट्यूड अगर इस पर्सन ने आपको दिखाया है, तो आज भी इनका वो ईगो टूटा नहीं है, ओके? सो मैं ऐसी एनर्जी यहां पर देख पा रही हूं जहां पर ये पर्सन जो है इस समय बहुत ज्यादा, जैसे आज सुबह इनका दिल कर रहा है अपने दिल को फॉलो करने का और आपसे बात करने का, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं, ये अपने आप को फिर से सप्रेस कर रहे हैं, ये अपने दिल को फिर से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ज्यादा लंबे समय तक ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को यूं सप्रेस नहीं करेंगे और बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिटरली कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आपको आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में लिटरली, क्योंकि ये पर्सन ना अब अपनी फीलिंग्स को ज्यादा दिन तक सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स आकर बताएंगे, जो कुछ भी ये फेस कर रहे हैं ना इस समय, ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेंगे, ठीक है, और तब कहीं ना कहीं मतलब इनको एक होता ना कि सेटिस्फैक्शन मिलेगी, शांति मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी भी यहां पर मुझे देखने को मिल रही है।
चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है। तो दिस इज सबसे पहले यहाँ पर है अटेंशन ऑफ अदर्स, टीयर्स, फाइंडिंग माई सेल्फ, फोकस्ड ऑन मनी, यू आर स्पेशल, लॉस्ट, यू आर परफेक्शन एंड बॉटम में वी हैव एनर्जी नॉट द राइट टाइम। ये कहीं ना कहीं एक सही वक्त का भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन्हें आपकी अटेंशन अब चाहिए, ठीक है। आपने जो अटेंशन इनसे विड्रॉ कर ली है ना, वो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें आपकी अटेंशन फिर से चाहिए, फिर से आपके साथ ये बातें करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं जहाँ पर ये बहुत खुश थे, जो मोमेंट्स इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर ये व्यक्ति फिर से आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन आज सुबह भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, अगेन टीयर्स की एनर्जी है, ठीक है। इनके बात बात पर मतलब जैसे होता है ना कि आंसू झलक जाना या आंखें गीली हो जाना, तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है। कहीं पर भी ये व्यक्ति ना इस समय फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पैसों पर नहीं, करियर पर नहीं, कहीं पर भी ये व्यक्ति इस समय ना फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका पूरा फोकस इस समय ना आपके ऊपर है। ये 24 घंटे आपको याद कर रहे हैं, ये दिन रात आपको जैसे याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है। ये मतलब मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मे बी आप या तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या टेलीपैथिकली आप इनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ आप इनकी हीलिंग करवा रहे हो, या आजकल आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये पॉजिटिविटी आ रही है। बिकॉज मतलब काफी लंबे समय बाद मतलब मैंने ये पॉजिटिविटी एक रिलेशनशिप की रीडिंग में देखी है। एंड क्योंकि लिटरली ये किसी तरीके का तो आपका ही कोई एक्शन है या आपकी कोई हीलिंग है जो यहाँ पर वर्क कर रही है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो इट इज दैट एनर्जी। ये पर्सन आज सुबह भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है, इन्हें आपकी लुक्स याद आ रही हैं, आपकी काइंडनेस याद आ रही है, ठीक है। आप जो करा करते थे हमेशा, इनकी केयर जिस तरीके से आप करा करते थे, वो चीजें इन्हें याद आ रही है। एंड ये मतलब कहीं ना मतलब एक गुम है आपके प्यार में, जैसे गुम है ना, लॉस्ट की एनर्जी यहाँ पर है। ये बिल्कुल गुम है जैसे आपके प्यार में, ठीक है। मतलब इट इज दैट एनर्जी जहाँ पर ये सच में मतलब आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं, और कहीं पर भी मतलब कोई इनसे कुछ बात भी कर रहा है ना, तो इनका ध्यान वहां पर भी नहीं है, तो कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है। और ये सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक सही राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। लेट अस चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के उनके लिए। सो उन्होंने आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना ज्यादा मिस तो मैंने कभी किसी को नहीं करा जितना मैं तुम्हें कर रहा हूँ, ठीक है। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे तुम्हारे साथ एक लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ? मैं बहुत पछता रहा हूँ तुमसे दोस्ती खत्म कर तोड़ कर या दूर जाकर, बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ मैं, पर ये दूरियां हमारे प्यार को बढ़ा ही रही हैं, खत्म नहीं कर रही हैं। इस कनेक्शन से जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तुम्हें एहसास नहीं होगा लेकिन हर्ट मैं भी हूँ, दुखी मैं भी हूँ, इनके भी इमोशंस हर्ट हुए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं वो दुख, वो दर्द सा महसूस होता है, जिस दर्द जिस दुख से आप गुजरे हो, राइट। सो उस दर्द उस दुख को ये पर्सन भी महसूस कर रहे हो, ऐसी इनकी एनर्जीज यहाँ पर है। Yes guys, so I think so beautiful. ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग guys, जरूर मुझे बताएं। So this is all for today. Thank you so much. Bye bye. Do take care. इस वीडियो को क्लेम जरूर करें। क्लेम करने के लिए आई क्लेम जरूर लिख के रीडिंग में। Thank you.